मेरा आईडी नंबर है 3787-0734, मेरे अप्लायंस श्री मनोज पाठक जी। जी सर, जैसे कि सर हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है सर। पहले हम लोग ये पुराने बाज़ार से डाबर नीम टूथपेस्ट लाते थे, जिसका वज़न 100 ग्राम है, एमआरपी 45 रुपया है सर। वज़न 100 ग्राम, एमआरपी 45 रुपया। वही सर हमारे आरसीएम में कैबिगो हर्बल टूथपेस्ट है, जिसका वज़न 100 ग्राम है, एमआरपी 48 रुपया है सर। अगर मैं एमआरपी में देखा जाए तो सर 3 रुपये ज़्यादा है, लेकिन सर अगर मैं हम अपनी खूब हमें 38 रुपये में पड़ता है, जो कि हमें 7 रुपये की बचत होती है। और सर इसमें बिजनेस वैल्यू 23 मिलता है, जो सर हमारे खाते में 2 रुपया 30 पैसा हमारे खाते में आता है, अगर मैं हम 10% के हिसाब से होते हैं तो। सर अगर मैं टोटल बचत की बात करेंगे तो हमारा टोटल बचत 9 रुपया 30 पैसा होता है सर। वही ये पुराने बाजार का लक्स साबुन है, ये बहुत प्रचार इसका था, बहुत लोग इसको यूज करते थे सर। इसका वजन 100 ग्राम है, एमआरपी 26 रुपया है सर। इसका टीएफएम 70% है और ये सेकंड ग्रेड का साबुन है। वही सर हमारे आरसीएम में इना एलोवेरा तुलसी, वजन 100 ग्राम, एमआरपी 32 रुपया। अगर हम एमआरपी में देखेंगे सर तो 6 रुपया ये महंगा है, अगर हम अपनी आईडी लगा देते हैं तो सर ये हमें 26 रुपये का मिलता है। और सर इसमें बिजनेस वैल्यू 13 है सर। अगर मैं आईडी लगाने पर देखेंगे तो बराबर सेम 26 में मिलता है, लेकिन सर अगर मैं आईडी बिजनेस वैल्यू इसमें जोड़ेंगे तो हमें 1 रुपया 30 पैसे सर हमारे खाते में आता है। और इसमें सर टोटल फैक्ट्री मटेरियल 76 है और ये फर्स्ट ग्रेड का साबुन है। जी सर, सर यही हमारा पुराने बाजार की लक्ष्मी धूप बत्ती। सर हम तो लक्ष्मी धूप ही यूज करते थे, ज़्यादातर लोग लक्ष्मी धूप बत्ती ही यूज कर रहे होंगे, क्योंकि इनका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी भगवान के नाम पे आदमी ज़्यादा जाते हैं सर। ये लक्ष्मी धूप 35 ग्राम का है, 18 रुपये सर। यही हमारे आरसीएम में प्रतिष्ठा धूप बत्ती 35 ग्राम 10 रुपये। अगर मैं सर एमआरपी में ही देखेंगे तो हमें 8 रुपये की बचत होती है, अगर खूबसूरत सीआईडी लगा देते हैं तो ये हमें 9 रुपये का मिलता है, जो कि हमारे 9 रुपये की बचत होती है। इसमें बिजनेस वैल्यू 5 है, जो हमारा टोटल बचत 9 रुपया 50 पैसा। सर ये हमारा पुराने बाजार का पुराना डाबर आमला तेल है, इसका वजन 150 ml है, एमआरपी 74 है। वजन 150 ml, एमआरपी 74। यही हमारे आरसीएम में सिनोर हर्बर हेयर ऑयल है सर, इसका भी वजन 150 ml है, लेकिन इसमें एमआरपी 68 रुपया है। अगर हम एमआरपी में देखेंगे तो सर हमें 6 रुपये की बचत होती है, अगर हम अपनी आईडी लगा के देते हैं तो 54 रुपये में हमें मिलता है, जो कि हम अगर आईडी में कंपेरिजन करेंगे तो हमारे 20 रुपये की बचत होती है। और इसमें बिजनेस वैल्यू 32 है, जो कि हमारे खाते में 3 रुपया 20 पैसा आता है। अगर हम टोटल सर इसमें टोटल बचत करें तो हमारा 23 रुपया 20 पैसा हमारा सिर्फ ऑयल में बचत होता है सर। ये फेयर लवली है, फेयर लवली पुराने बाजार की फेयर लवली है सर। ये तो हमारे पास छोटा ही है, ये 25 ग्राम का है, 56 रुपये का, 25 ग्राम 56 रुपये का है। यही सर अगर मैं हम 50 ग्राम इसको लेने जाएंगे तो हमें 102 रुपये का मिलता है, 50 ग्राम 102 रुपये का मिलता है। यही हमारे पास आरसीएम में नाइसा फ्रेश साइन है, नाइसा फ्रेश साइन 50 ग्राम 85 रुपया सर, वो 102 रुपये का, फेयर लवली 102 रुपये का। ये हमारा आरसीएम का क्रीम 85 रुपये का। अगर मैं इसमें बचत देखेंगे सर, 17 रुपये की बचत एमआरपी पे होती है, अगर बिना आईडी के हम लेते हैं तो हमें 17 रुपये की भी बचत होती है। अगर हम अपनी आईडी जय आरसीएम बोल के लेते हैं सर तो हमें ये
63 रुपए की मिलती है, जो कि हमारी बचत 39 रुपए हो जाती है सर। सर अगर मैं बिजनेस वैल्यू देखेंगे तो 37 है, 37 बिजनेस वैल्यू, जो हमारे खाते में 3 रुपया 70 पैसा। हमारे टोटल बचत फेयर लवली में टोटल बचत की बात करेंगे सर तो 42 रुपया 70 पैसा हमारा टोटल बचत होता है जी। सर जैसे कि हमने पूरा 5 ही चीज़ों का कंपेरिजन किया है, मैं 5 चीज़ों का सर टोटल बताना चाहूँगा। MRP और पुराने बाजार की MRP की 265 रुपया टोटल, जो 5 चीज मैंने लिया, टूथपेस्ट लिया, लक्स साबुन लिया, लक्ष्मी धूप, डाबर आमला तेल, फेयर लवली, ये 5ों हमें 265 में मिलता है। वही सर अगर मैं हमारे में MRP में देखेंगे तो 243 में मिलता है सर। सर इसमें अगर हमारी MRP में बचत देखेंगे तो 22 रुपये की बचत होती है। अगर हम अपनी खूबसूरत सी आईडी लगा देते हैं सर तो हमें 190 में मिलता है, 190 मिलता है, तब हमारी 75 रुपये की बचत होती है। अगर मैं हम जो 2 महीने के बाद हमारे अकाउंट में पैसा आता है वो भी अगर मैं जोड़ देते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्रोडक्ट कंपेरिजन किया सर, और एक एक बारीकियों को आपके द्वारा बताया गया है। और इसी प्रकार से हम सब साथियों को तैयार रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई अपना साथी का शेड्यूल है, अगर वो मीटिंग में नहीं है या कि नेटवर्क वीक है, तो निश्चित तौर पर हमें